महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। अब देखिए, रामलला के दर्शन से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों ने भव्य रोड शो किया। इसके बाद शिंदे अयोध्या में राम मंदिर परिसर में महाआरती में शामिल हुए। शिंदे का राम मंदिर निर्माण स्थल पर दौरा करने का भी कार्यक्रम है। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और शिवसेना और हिंदुत्व को लेकर एकनाथ शिंदे और उनके जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं हजारों की संख्या में। और ये जो आपको दिखा रहे, रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं, विधिवत उनकी पूजा अर्चना उन्होंने की और वहां पर सम्मानित भी किया गया। भगवा जो अंग वस्त्रम होता है उनको भेंट किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, हजारों शिव सैनिकों का जो हुसूम था वो भी उनके साथ पहुंचा हुआ। इसके पहले खुद हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे ने एक स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया था अयोध्या के लिए। उसमें शिव सैनिक एकनाथ शिंदे गुट के जो खेमे के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे। तो आवाज अगर सुनेंगे तो पूरा, हालांकि अयोध्या में तो हमेशा से श्री राम नाम की गूंज गुंजायमान होती है, लेकिन जब शिव सैनिक वहां पर पहुंचे एकनाथ शिंदे खेमे के अयोध्या में उनकी मौजूदगी, तो जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं। अभिषेक मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे रिपोर्टर हमारे सहयोगी मौजूद हैं अयोध्या में। अभिषेक, अभी क्या कार्यक्रम, किस तरह की तस्वीर निकल रही है? सीएम अपने डेप्यूटी के साथ यानी देवेंद्र फडणवीस के साथ कहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में कितना जोश अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आशुतोष, आज एकनाथ शिंदे पूरे दिन अयोध्या में रहे। उन्होंने शुरुआत की थी रामकथा पार्क से, जहां पर उनका काफिला चला था। उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस थे और एक तरीके का रोड शो दिखा, कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी राम मंदिर की तरफ। और राम मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति ली। उसके बाद वो पहुंचे सीधे दिगंबर जैन मंदिर और उसके बाद हनुमानगढ़ी होते हुए इस वक्त वो पहुंच गए हैं होटल पंचशील, जहां पर कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी पहली बार खुलकर वो बात करेंगे पत्रकारों से और इस बात में चर्चा भी होगी कि आखिर रामलला के दर्शन करने का क्या उचित रहा और जिस तरीके से पूरे कैबिनेट के साथ आज उनकी यहाँ मौजूदगी रही वो कितनी सार्थक और उसका क्या महत्व है। कई मायनों में देखें तो काफी महत्वपूर्ण आज का ये दौरा रहा है, क्योंकि सरकार के तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में वो इस पद पर काबिज हुए हैं, कहा जा रहा था कि क्या वो पूरी शिवसेना की आवाज नहीं है, लेकिन आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे कैबिनेट के साथ में यहाँ नजर आए हैं। एमएलए एमपी और तमाम शिव सैनिक, क्योंकि बड़ी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को अपने नेता के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए आज का दिन अयोध्या में दिखाई दिया। रामलला के भक्त हैं वो, रामलला के से उनका सानिध्य है, उनका स्नेह है और यही कुछ तस्वीर यहाँ पर आज दिखाई देती है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एकनाथ शिंदे यहाँ मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री जो है वो वापस निकल चुके हैं लखनऊ की तरफ और वो दिल्ली पहुंचेंगे, वो हमें नहीं दिखेंगे। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से अयोध्या दौरा और शिवसेना का बैनर, उसके तले आज एकनाथ शिंदे की यहाँ मौजूदगी सीधे तौर पर कई तरीके सवालों के जवाब देगी। जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, एक प्रतिनिधित्व नहीं करते वो, और चूंकि ठाकरे परिवार से वो नहीं है और ऐसे तौर पर जो देखा जाए जो तस्वीर उस समय बनी थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अयोध्या की नगरी में आकर के उन्होंने न सिर्फ रामलला का दर्शन किया है बल्कि अभी आगे के कार्यक्रम में भी वो सरयू आरती में शामिल होंगे। तो पूरा दिन आज अयोध्या को दिया और कहीं ना कहीं एक राम भक्त होने का जो परिचायक है वो एक तरीके से उनकी मौजूदगी आज यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें, दोबारा आपका रुख करेंगे।